शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्योंकि तुम ही हो। मैं जुकाम हो गया, गलती मेरी है। रात को मैंने हीटर ऑफ कर दिया ना, इसलिए तुम्हें जुकाम हो गया। ये क्या भवानी, तुम्हारी बहू ने मुंह दिखाई पे नथ नहीं पहनी? आज तुमने साबित कर दिया तुम हमारी बहू बनने के लायक हो ही नहीं। दादी माँ, मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं आपकी बहू बनने के लायक हूँ, ये मैं साबित करूंगी। दादी माँ, काव्या को एक और मौका दे दीजिए मेरे लिए, प्लीज। कल तुम्हारी पहली रसोई। और पग फेरे की रस्म भी, तो तुम्हारे मैके वाले भी आएंगे। हम चाहते हैं तुम हमारी पुश्तैनी रेसिपी नवरत्न शाही दाल बनाओ। हम चाहते थे कि इस रस्म के लिए हम ग्वालियर के जाने माने परिवारों को निमंत्रण देंगे, क्योंकि हम शादी में किसी को बुला नहीं पाए थे। इस बार अपने मायके वालों के सामने हमारे हवेली की, तुम्हारे ससुराल की नाक मत कटवा देना। जी दादी। और इस मौके को अपना आखिरी मौका मत बना लेना। मेनका जी। जी अम्मा जी। हमारी वो पुश्तैनी पुस्तक कहाँ है? वो संदूक में रखी है। तो उसे संभाल कर निकालो और काव्या को दे दो। जी अम्मा जी। तुम्हें उस पुस्तक में लिखे विधि के अनुसार ही दाल बनानी है, याद रहे। थैंक यू दादी माँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। कल कि मेरा पहला और आखिरी प्यार तो काव्या ही है, मैं तो सिर्फ काव्या से ही प्यार किया है। आयुष्मान ने हमेशा काव्या और इस घर के लिए अच्छा ही सोचा है, हर बार मदद की है, हर परेशानी। बस बस, अब एक शब्द नहीं। जब आयुष्मान ने डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था, स्कॉलरशिप, जब आयुष्मान को स्कॉलरशिप मिली, सब झूठ है पार्वती, सब झूठ। अपनों के अलावा किसी और पर विश्वास कर ही नहीं सकते। एक बच्चे की तरह माना था मैंने उसे, और 13 साल का था मंजरी जी का हाथ पकड़कर इस मोहल्ले में आया, उसके सर पर मैंने हाथ रखा, मैंने उसकी जिम्मेदारी ली, खुद से ज्यादा भरोसा किया मैंने उस पर, खुद से ज्यादा बात की। याद है पार्वती,
उस दिन जब मोहल्ले वाले हमारी काव्या पर उंगली उठा रहे थे, एक आयुष्मान ही था जो खड़ा था, सामने डटा हुआ था, तभी मैं समझ गया था कि अगर कोई लड़का मेरी गैर मौजूदगी में काव्या का ख्याल रख सकता है, काव्या का ध्यान रख सकता है, तो बस आयुष्मान ही, उसी से अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। और मैं जानता हूं अगर मैं पूछता तो वो कभी मना नहीं करता पार्वती। लेकिन आज टूट सा गया हूं मैं, तोड़ दिया उसने मुझे। अरे उसने तो कभी मेरे या मेरे परिवार के बारे में सोचा ही नहीं, उसके लिए तो हम कुछ थे ही नहीं, उसने तो सिर्फ अपने बारे में सोचा, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, क्योंकि वो काव्या से प्यार करता था। एक तरफा प्यार पार्वती, आज उसने मेरे भरोसे को तोड़ा है, मेरे हक को हिलाकर रख दिया है। नहीं पार्वती, नहीं आज मैं अपने आप को इतना छोटा महसूस कर रहा हूं पार्वती, इतना छोटा महसूस कर रहा हूं कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन दादी माँ नाराज होगी, और कल मुझे नवरत्न दाल भी बनानी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कुछ गड़बड़ हो गई तो, और ऊपर से मैंने तो नवरत्न दाल का नाम भी नहीं सुना, और कैसे बनाऊंगी मैं, आपको कैसे पसंद है, सबको कैसा पसंद है, पता नहीं कैसे बनाऊंगी मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, रेसिपी बुक में से देख देख के तुम बना लोगे, हो जाएगा। चलो पहले स्माइल करो। तुम्हारे माथे पे जो सिलवटें थी ना वो गायब हो गई। जस्ट रिलैक्स, सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक होगा। अब ये बताओ कि ये हीटर का टेम्परेचर कितना रखना है? नवरत्न दाल बनाने के कितना टेम्परेचर चाहिए, मुझे तो वो जानने में दिलचस्पी है। ये देखो, ये इतना ठीक है, 29-30। इतना भी गर्म नहीं चाहिए। एक काम करो, ये रिमोट कंट्रोल तुम अपने हाथ में रखो, लो। ठीक है, ये मेरी नहीं, हमारे हाथ में होना चाहिए, ताकि ना आपको कोई तकलीफ हो और ना ही मुझे। मेरी माँ हमेशा कहती कि पति पत्नी का रिश्ता जेल की दो पटरियों की तरह होता है, अगर दोनों के बीच में तालमेल रहा तो शादीशुदा जीवन की गाड़ी हमेशा आगे बढ़ती है। सिर्फ तालमेल से काम नहीं चलेगा काव्या, पति पत्नी को एक दूसरे का सपोर्ट भी मिलना चाहिए। पर सर, आपका सपोर्ट तो मेरे साथ तब से रहा है जब हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं था, और जब से मैं इस घर में आई आपका सहयोग मेरे साथ हमेशा से रहा। पर क्या? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज दादी माँ से मेरे लिए बहस मत किया कीजिए। मेरी परीक्षा है, मुझे देने दीजिए। देखिए, जैसे आप कॉलेज के ट्रस्टी हैं और मेरे पति भी हैं, पर जब कॉलेज में मेरी एग्जाम होगी तो वो तो मुझे ही देना होगा ना। एग्जाम से याद आया, एक मिनट।
देखिए मैंने एग्जाम की तैयारी करनी भी शुरू कर दी है। काव्या, ना ये कॉलेज है, ना तुम मेरी स्टूडेंट हो और ना मैं तुम्हारा ट्रस्टी। मैं तुम्हारा पति हूं और अगर कोई भी तुम्हें कुछ भी, दादी माँ कोई नहीं, दादी माँ दादी माँ है। हाँ हमसे नाराज है, पर आपको याद है आपने सुहागरात के दिन कहा था कि हमारा पति पत्नी का रिश्ता अभी अधूरा है, तो बस ये परीक्षा भी उसी फैसले का अहम हिस्सा है। और ना मैं इससे बच सकती हूँ और ना ही बचना चाहती हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है, एक मिनट प्लीज। एक मिनट प्लीज, पूछने की क्या जरूरत थी? प्यार करते हैं पर जताना नहीं आता। इनकी पत्नी को कोई कुछ कह भी दे तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, चेहरा लाल भी हो जाता है, पर फिर भी कहेंगे कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, हद है। एक सेकेंड, अपने ही घर में नॉक करने की क्या जरूरत है? चाची जी आप, तुम्हें क्या लगा? वो मुझे लगा करण सर है, अभी अभी यहीं पर थे ना। खैर जाने दो। ओ, ओ, तुमने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी? हाँ जी चाची जी, वो कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं ना, तो बस अभी से पढ़ाई करना शुरू कर रही हूँ। फिलहाल के लिए ये पढ़ाई छोड़ो और ये पढ़ाई करो। जानती हो काव्या, ये हमारी खानदानी रेसिपी बुक है। इस किताब में कम से कम 100 से ज्यादा खानों की रेसिपी लिखी हुई है। हमारे खानदान में पूर्वजों के जमाने से इस किताब में लिखी हुई रेसिपी से ही खाना बनते आ रहा है। ध्यान से, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। जी 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 जी। और हाँ, ये पढ़ो, ये है नवरत्न दाल की रेसिपी। जैसे इसमें लिखा है ठीक वैसे ही बनाना, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, वरना तो दादी माँ का गुस्सा तुम जानती हो। है ना काव्या? जी चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। काव्या बनाओगी तो तुम नवरत्न दाल, पर बनेगी दाल की खिचड़ी, क्योंकि मैंने नवरत्न दाल में 9 तरीके के दाल का इस्तेमाल होता है, तुअर, मसूर, चना, उड़द। मसूर, तरीके के दाल, ऐसा नहीं चलेगा काव्या, ऐसा नहीं चलेगा। एग्जाम में पास होना है। चना, उड़द, मसूर।
क्या था? खुश रही, उम्मीद है तुमने सब अच्छे से पढ़कर समझ लिया होगा। जी दादी माँ, इस किताब के हिसाब से नवरत्न दाल में 9 तरीके के दाल इस्तेमाल होते हैं, जो है तुअर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल। बताने की जरूरत नहीं, बना कर दिखाओ। एक बात ध्यान रहे, आज तुम सिर्फ दाल बनाने नहीं जा रही हो, बल्कि हमारे राजसी खानदान के रसोई में पालन होने वाले रीति रिवाज और परंपराओं को तुम कितना समझी हो उसका उदाहरण प्रस्तुत करने जा रही हो। समझी? ध्यान रहे, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी दादी माँ। सब्जियां शायद शाही दाल ऐसी बनती हो। आज कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज दादी माँ के साथ माँ और पापा जी भी होंगे। हे महादेव, बस सब कुछ सही से हो जाए। बन गई दाल? जी दादी। अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे मायके वाले भी आते ही होंगे। बन गई दाल? जी 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 जी। खुशबू तो अच्छी आ रही है, लगता है तुमने पूरी रात बैठकर रेसिपी पढ़ी है। चलो चलो तैयार हो जाओ, हमारे घर वाले आते होंगे।
जी। तुम्हारा पेपर कैसा रहा? पेपर? हाँ, नवरत्न दाल वाला। ओ, दाल? हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन था, पर बना लिया। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम अपनी कुकिंग को लेकर बहुत ज्यादा ही सीरियस हो। हाँ? दुनिया का कोई भी शेफ इतना सीरियस तो नहीं होगा जितनी तुम हो। तुमने अपनी नवरत्न दाल बनाने के लिए 12 घंटे लगा दिए। 12 घंटे? हाँ, तुम रात को लगभग 10 बजे सो गई और नींद में भी तुम नवरत्न दाल ही बना रही थी। 12 घंटे हो गए ना? ब्लू शर्ट पिक कीजिए करण सर, आप पर ब्लू कलर बहुत सूट करता है। कुछ कहा तुमने? नहीं। ये कैसे नहीं है? मतलब हाँ बोलती हो तो सर ना में हिलाती हो और ना बोलती हो तो सर हाँ में हिलाती हो, कमाल है। नहीं, वो मेरे बोलने का ये मतलब था कि मैं कहना चाहती थी कि हाँ, मैंने दाल बना लिया। अब जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स आते होंगे। पर मैं तो तैयार ही हूँ, बस बाल बनाने बाकी है। तो जाओ बनाओ बाल। काव्या, इन 4 शर्ट में से मैं कौन सा शर्ट पहनूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जरा यहाँ पर ना, ये 4 में से एक पहनना चाहता हूँ तो। मुझे लगता है कि आप पे ब्लू ज्यादा अच्छा लगेगा। और तुम पे ये तुम पे ये हल्दी के दाग अच्छे लग रहे हैं। तुम तैयार हो, मुझे तैयार होना बाकी है। ऑलराइट? बस 2 मिनट में आई। आज काव्या की इस हवेली में पहली रसोई है, तो उसने कुछ खास बनाया है। हम चाहते हैं कि आप उसे चखें और बताएं कि आपकी बिटिया ने कैसे बनाया है। काव्या, अब तुम ही बताओ कि तुमने ये क्या बनाया है। नवरत्न दाल बनाई है माँ। क्या? बद्री, काव्या के कमरे से सारी किताबें लेकर आओ। इन किताबों को जितना पढ़ना था तुमने पढ़ लिया, अब घर गृहस्थी का पाठ हम तुम्हें सिखाएंगे। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।